धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम सागौर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखी जा सकती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैलानी ग्रुप ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और भंडारे का आयोजन किया। आपको बता दें कि विगत 5 वर्षों से सैलानी ग्रुप हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पूरे धार जिले में पिछले 5 वर्षों से हिंदू मुस्लिम मिलकर पीथमपुर के ग्राम सागौर में बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और भंडारे का आयोजन मिलकर करते हैं। हालांकि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार भी सैलानी ग्रुप हिंदू मुस्लिम भाइयों ने चादर चढ़ाई और भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर सैलानी ग्रुप के आयोजनकर्ताओं ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जिले में हिंदू मुस्लिम एकता का यह आयोजन प्रतीक है। सभी धर्म के लोग मिलकर पिछले 5 वर्षों से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने मिलकर मजार पर चादर चढ़ाई और मंदिर में भंडारे का आयोजन किया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, आज जश्न सैलानी प्रोग्राम मनाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से मनाया जा रहा है और कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र सारी व्यवस्था की है। और ख़ास तौर पे सागौर थाना प्रभारी भदौरिया जी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कॉपरेट किया हमें और उन्हीं की बदौलत ये आयोजन इतना सक्सेस हुआ है। ये पूरी सैलानी कमेटी इसमें लगी रहती है, सब भाई लोगों का सहयोग रहता है। हमारा पूरा ग्रुप है 5-7 लोगों का और कम से कम 70-80 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पूरे मेहनत और दिल से काम करते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। जी, ये कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और तकरीबन 5 से 6 हज़ार पब्लिक आती है इसमें और सभी एक भाईचारे वाला अलग ही मिसाल है। ये जो कार्यक्रम है जश्न सैलानी में, ये तो कहना वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बाकी धार जिले में ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम नहीं होता है जो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कामिल खान, सनाब हाजी कम्मू खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।